अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ खट्टा मीठा सा बेहतरीन सा टेस्ट वाला पानी फुल्की। तो उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान डिश है ये, खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। जब आपका दिल चाहे जब आप बनाकर इसको खा सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ानों के लिए तो बहुत ही अच्छी एक रेसिपी रहेगी आपके लिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है चटनी बनाने के लिए। चटनी के ये इसमें पानी में डालेंगे हम, और उसके अंदर हम ये बेसन की फुल्कियाँ डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये 4 टेबल स्पून बेसन ले लिया है, इसको हम भिगो देंगे। तो पानी के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले ली है 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीने के फ्रेश पुदीना ले लिया है, और 2 चम्मच भर के मैंने इसमें सौंफ ले लिए हैं, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, और ये काला नमक ले लिया है, और ये हींग डालेंगे। हींग से बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने इमली को भिगो कर रख दिया है, 1 कटोरी इमली ले ली है, और 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है। गुड़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इस गुड़ को ही इस पानी के अंदर डाल देंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो जब तक हमारा ये गुड़ भी मेल्ट हो रहा है तब तक हम ये चटनी पीस लेते हैं। गुड़ के साथ ही हम 1 पिंच इसके अंदर हींग डाल देंगे। तो ये चटनी बनके हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको अपने ये पानी में डाल लेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप ये इस चटनी को बनाकर इस पर डाल लें। मैं करीब 3 बड़े चम्मच भर की ये चटनी डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा हम ग्रीन कलर मिला देंगे तो जिससे ये हमारा पानी भी बड़ा खूबसूरत सा दिखने लगेगा। ये 1 चुटकी हम इसके अंदर ग्रीन कलर मिला देंगे तो जिससे कि हमारा ये पानी भी बड़ा अच्छा खूबसूरत दिखने लगेगा, एकदम पानी पूरी जैसा। इसको हम अच्छी तरीके से घोल लेंगे। और यहाँ पर हमारा ये जो इमली रखी है हम इसको भी अच्छी तरीके से मसल कर उसके बीज हटा देंगे अगर बीज होंगे तो, और इसका पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इमली का पानी भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको चख के देख लेंगे, खट्टा ज़्यादा होगा तो उसमें हम 1-2 चम्मच शक्कर मिला सकते हैं, और इसका गुड़ अच्छी तरीके से पहले घुल जाने देंगे, फिर हम इसको एक बार चख के देख लेंगे। ये हमारा बेसन तैयार कर लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर अजवाइन, इसको मैंने अच्छी तरीके से क्रश कर ली है, फिर डाली है इसके अंदर 1 पिंच इसके अंदर डाल देंगे हम सोडा, जिससे ये अच्छी तरीके से घुल जाएंगी। और अब हम इसको अच्छे से पानी डालकर फेंट लेंगे। इसको पहले हम सूखा ही मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले इसको मिलाएंगे। एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर क्योंकि इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको पहले एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमने ये थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे जिससे कि बेसन हमारा खूब अच्छे से फूल जाएगा, और जब हम इसकी फुल्कियाँ तलेंगे तो ये पूरी फूल फूल कर ऊपर आ जाएंगी। तो इसकी फिटाई जितने अच्छे तरीके से करेंगे हम उतनी ही अच्छी हमारी फुल्कियाँ बनकर तैयार होंगी। तो इसको 2-3 मिनट के लिए हम इस तरीके से इसको फेंट लेंगे। तो ये बेसन भी हमारा अच्छी तरीके से फूल कर तैयार हो चुका है। देखिए इसके अंदर बबल्स भी आने लगे हैं, और ये पानी भी हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। इसको चक्कर देख लिया है मैंने, बहुत ही परफेक्ट पानी बनकर तैयार हुआ है। अब हमें इस फुल्कियों में और एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये फुल्कियाँ तलेंगे और इसके अंदर पानी में डालते जाएंगे। बेसन भी हमारा इस कदर फूल चुका है कि हमें इसको अलग से पानी में भी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम इन फुल्कियों को इस पानी में डालते जाएंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ये छोटी छोटी फुल्कियाँ या तो आप हाथ से डाल सकते हैं या फिर आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। हाथ से इनको डालना बहुत ही अच्छा और बेहतरीन शेप आ जाता है हाथ से डालने में। तो ये
हमने छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। और देखिए एक ही बार में ये सब ऊपर आ जाती है झट से, तो ये कितनी हल्की और कितनी स्पंजी बनी है ये तो हम कढ़ाई में ही देख सकते हैं। इस तरीके से हम अलट पलट करके इसको दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसको इसमें पानी में डाल देंगे। ये हमारी पानी फुल्कियाँ बिल्कुल तैयार हैं। फुल्कियों को हम इस खट्टे मीठे पानी के अंदर डाल देंगे। इसको हम डायरेक्ट ही डाल देंगे, इसमें हमें अलग से पानी बॉइल करके उसको थोड़ी देर रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस कदर अच्छी तरीके से फूल चुकी है कि हम इसको डायरेक्ट इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ी देर हम इसको पानी में ही पड़ा रहने देंगे जब तक हम अपनी दूसरी फुल्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बाकी की फुल्कियाँ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे और इसके अंदर डायरेक्ट हम भी डाल देंगे। साथ में बच्चे ज़रा इसका और ज़्यादा मज़ा लेने वाले हैं, तो ये बनाने वाले हैं पानी पूरी। इसको भी मैं फ्राई करने वाली हूँ और इसका पानी इतना ज़्यादा चटपटा बनता है कि इसका पानी डबल यूज़ कर सकते हैं हम। इधर पानी पूरी भी बन जाएगी तो बच्चे इसका भी टेस्ट ले लेंगे और साथ में खाएंगे ये पानी फुल्की। पानी पूरी भी फ्राई हो गई, फुल्की भी तैयार हो गई है और यहाँ पानी पूरी के लिए हमने पूरियों को भी फ्राई कर लिया। ये रेडीमेड पूरी बड़ी ही अच्छी आती है, झटपट से हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो हमारी ये पानी फुल्की बनकर बिल्कुल एकदम तैयार है। तो ये हमारी पानी फुल्की और पानी पूरी के लिए ये पूरियाँ बनकर तैयार हैं। तो बच्चे भी मज़ा लेने के लिए फुल तैयार हैं। तो एक फुल्की को मैं काट कर दिखाती हूँ, ये इस कदर भारी हो चुकी है, पानी के अंदर डूबने लगी हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें सर्व करके दिखा देती हूँ कि कितनी बेहतरीन हमारी ये पानी फुल्की बनकर तैयार हुई है और इसका पानी इतना टेस्टी है कि पानी पूरी से आप इसको खाएँ तो मज़ा ही आने वाला है। तो ये देखें आप, इसको मैं एक को काट के दिखाती हूँ। ये देखें इसके अंदर इस कदर जाली बन गई है, बेहतरीन सा इसके अंदर पानी पूरा बन चुका है, बहुत ही शानदार स्पंजी बिल्कुल ये पानी पूरी बन के तैयार हुई है। इस कदर स्पंजी है ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको। तो खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त, और अब इसके अंदर हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस बिल्कुल ये खाने के लिए एकदम तैयार है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। तो एक तरीका हम और बता देते हैं आपको इसको खाने का। तो ये लिए हमने पानी पूरी और एक छोटा सा पुचका उठाया हमने, ये इसके अंदर डाला, इसमें डाला हमने पानी, ये गया जबरदस्त मजेदार।